थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल। जब एक हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, एक्सपेरिमेंट्स की जाए, लेकिन वो गलत साबित ना हो रही हो, तो ऐसे हाइपोथेसिस के ऊपर एक बायोलॉजिस्ट का एतमाद बढ़ता है और ऐसे हाइपोथेसिस को मज़ीद हाइपोथेसिस बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड थ्योरीज। ऐसे हाइपोथेसिस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ, टेस्टिंग की जाए, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, यानी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लेकिन वो रिजेक्ट नहीं होते, गलत साबित नहीं होते, तो ऐसे हाइपोथेसिस थ्योरीज बन जाती हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस। एक प्रोडक्टिव थ्योरी, एक अच्छी थ्योरी, वो थ्योरी होती है जिससे मज़ीद आगे हाइपोथेसिस बना सकें और उसके ऊपर मज़ीद टेस्टिंग जारी रहे। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट एक थ्योरी को चैलेंज के तौर पर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं ताकि उसको गलत साबित किया जाए। अगर वो गलत साबित नहीं होती तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जब एक थ्योरी इस मराहल से भी गुजर जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है लेकिन वो गलत साबित नहीं हो रही, तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक साइंटिफिक लॉ नेचर का यानी कुदरत का एक कानून बन जाता है। इट इज़ एन इरिफ्यूटेबल थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी होती है जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता, गलत साबित नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी के अंदर साइंटिफिक लॉज की एग्जांपल्स हैं हार्डे-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।